दोस्तों, पर्सनल लोन को चुकाने या फिर रीपेमेंट करने के लिए हमें ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिलता है। लेकिन कई बार कुछ समय बाद जब हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपने लोन को चुका देते हैं, तो ऐसे में हम प्रीपेमेंट का ऑप्शन चुनते हैं, यानी कि हम समय से पहले अपने पर्सनल लोन का पेमेंट कर देते हैं। लेकिन कई बार आपको इसका नुकसान भी भुगतना पड़ जाता है। दोस्तों, कई बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनियां प्रीपेमेंट के लिए चार्ज वसूलती हैं, इसके साथ ही आपको दूसरे चार्ज भी देने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पर्सनल लोन के पैसों को समय से पहले चुकाने पर या फिर रीपेमेंट करने पर कौन कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं। इसमें सबसे पहला है प्रीपेमेंट चार्जेस। जब भी आप समय से पहले पर्सनल लोन का पेमेंट करने का ऑप्शन चुनते हैं तो अधिकतर बैंक और एनबीएफसी कंपनियां प्री क्लोजर चार्ज लेते हैं। दोस्तों, ये जो चार्ज होता है ये बचे हुए लोन अमाउंट के 1-5% तक हो सकता है। हालांकि अगर आप पर्सनल लोन को जल्दी बंद कर देते हैं तो हो सकता है कि आप पर्सनल लोन को समय से पहले बंद करके ज्यादा इंटरेस्ट बचा सकते हैं, ऐसे में आप ज्यादा पैसों की बचत कर सकते हैं। दूसरा है इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर। लोन को समय से पहले बंद करते हैं तो नो डाउट आपके क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर आप क्रेडिट स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ईएमआई का ऑप्शन चुनें। ऐसे में जैसे जैसे आप हर एक महीना पर्सनल लोन के ईएमआई को पेमेंट करेंगे वैसे वैसे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बढ़ता जाएगा। तीसरा है प्रीपेमेंट टाइम। दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन का एक बड़ा हिस्सा चुका दिए हैं तो प्रीपेमेंट ऑप्शन का कोई फायदा नहीं है। ऐसे में आप पर्सनल लोन प्रीपेमेंट का ऑप्शन जल्दी चुनते हैं तो आप काफी सारे पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें तो आप बैंक से प्रीपेमेंट ऑप्शन के बारे में जरूर बात कर लें। कई बैंक आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं, कई बैंक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन आपको प्रीपेमेंट ऑप्शन के बारे में जरूर जानकारी ले लेनी चाहिए ताकि बाद में अगर आपके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो आप पर्सनल लोन के पैसों को समय से पहले बंद करके काफी पैसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।